इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना टीकाकरण पर आखिर आवाम क्या सोचती है ये भी अहम है, लिहाजा आवाम का पहलू भी रखना जरूरी है। तो हम कोशिश यही करते रहते हैं कि आवाम का कुछ हिस्सा कुछ और भी सोच रहा है, लिहाजा टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन पर आवाम की मुख्तलिफ राय देखी जा रही। मामला तब और भी शक के दायरे में आता है जब वजीर आजम यानी माननीय प्रधानमंत्री टीका उत्सव मनाने की बात करते हैं। उत्सव यानी जश्न, और जश्न तभी मनाया जाता है जब कोई फतह हमने हासिल की हो या किसी तरह की बड़ी इत्मीनान बख्श वारदात या इत्तला हासिल हुई। वजीर आजम ने ऐसे वक्त में वैक्सीन का जश्न मनाने की बात कही जबकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की फहरिस्त में पहले नंबर पर पहुंच गया। इस पर विपक्ष ने भी एतराज जताया तो मरकजी हुकूमत की जानिब से इधर उधर की बात कही गई। लिहाजा टीका उत्सव यानी वैक्सीन का जश्न मनाने की बात क्यों करते हैं? वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री उत्सव मनाने में बड़े माहिर है। पिछली मर्तबा इन्हीं के जहन की इजाद थी कि कोरोना को लेकर थाली थाली दिया बात ही कर जश्न में तब्दील कर दिया था। वैसे भी रामदास अठावले का गो कोरोना गो की धुन भी काफी मशहूर हुई थी। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जब वैक्सीन नहीं थी तो कोरोना भी नहीं था, और जब वैक्सीन आई तो कोरोना ने दुनिया में भारत को पहले नंबर पर पहुंचा दिया। भारत के अवाम के भी कारनामे कुछ कम नहीं। गोमूत्र से गोबर और फिर रामदेव बाबा के प्रोडक्ट भी कोरोना का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम से फर्जी दवा बनाकर WHO से सैंक्शन मिलने की खबर फैलाकर अपना धंधा जोर चलाया। वैसे भी भारत में ढोंगी बाबाओं का जोर पहले से ही रहा, एक ढूंढो हजार मिलते हैं, और अब एक और बाबा दाढ़ी बढ़ाकर सब कुछ बेचने में लगा हुआ। खैर, जब कोरोना वैक्सीन की बात चल रही है तो बात जश्न पर आकर रुकी हुई है। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया, फिर सेहत मुलाजमीन को टीका लगाया गया, तब भी कोरोना खामोश था। बुजुर्गों का ख्याल रखकर कोरोना बिल्कुल काबू में था, पर जब 45 उम्र के लोगों को टीका लगाने का फैसला लिया गया तो कोरोना बेकाबू होने लगा, और उसने अब तक का तारीखी रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया में 1.5 लाख मरीजों के साथ पहला नंबर हासिल किया। शायद वजीर आजम को अब जश्न मनाना जरूरी लगा होगा, लिहाजा 4 दिन का टीका उत्सव का ऐलान किया गया। और इस देश के आवाम का भी जवाब नहीं, चुनाव में प्रधानमंत्री बिना मास्क के कांग्रेस कितनी निकम्मी है और हमने कितने तीर मारे हैं बताते हुए कई सारे जुमलों को फेंक दिया जाता है और आवाम इसे ले भी लेती है। अब तो महंगाई के लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती मईशत, दो वक्त की रोटी पर सवाल करो तो देश की जनता को एक ही जवाब काफी है, जय श्री राम या तो फिर राम मंदिर। आवाम भूख प्यास की शिद्दत को मंजूर करेगी पर अपना वोट मोदी को ही देगी, यही मंजर देखा जा रहा है। हर जगह पर जाकर मैं इसी गांव का हूं कहने वाले वजीर आजम ने तो बांग्लादेश को भी नहीं छोड़ा और बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल जाने तक की बात कही। और अगर सच कहा जाए तो झूठ बोलना या बातों से असल मुद्दों को मोड़ना, यह भी एक हुनर भाजपा और भाजपा के लीडरों ने बखूबी हासिल किया है। तभी तो कोरोना टीका पर जश्न सिर्फ भारत में ही मनाया जा सकता है। मुल्क में वैक्सीन की कमी को महसूस किया जा रहा है पर वजीर आजम ने पाकिस्तान को वैक्सीन भेजने का फैसला लिया है। जो भी हो, टीका उत्सव तो देश के हर शहरी को मनाना पड़ेगा क्योंकि यह हमारे बादशाह का हुक्म है। आज बेलगाम में शरिया डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम का कयाम अमल में लाया गया। मिल्लत के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर मुस्लिम माशरे की खवातीन अदालत में कसीर तादाद में नजर आती है, जहां पर हमेशा तवील बरसों तक अदालत के फैसलों का इंतजार करना पड़ता है। लिहाजा शहर की नामों और हस्तियों के जेर मातहत शरिया अदालत के कयाम के पहल बेलगाम शहर में की गई। सुबह फख्र मिल्लत हॉल में इजलास का अहतमाम किया गया जिसमें मुफ्ती कासिम नसरुद्दीन, हाफिज नजरुल्ला कादरी, मुफ्ती निजामी, मुस्लिम लीग के कायद दस्तगीर आगा, इनकी अहलिया मोहतरमा नसरीन आगा, मुश्ताक हुसैन फारूकी, इकबाल सौदागर, आरिफ कटगेरी, जनाब आगा और भारतीय सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम के सदर आईए मुल्ला शरीक रहे। तमाम मेहमानान की गुलपोशी फरमाई गई। तमाम मेहमानान ने मुख्तसर अल्फाजों में शरिया डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम के कयाम का मकसद बयान फरमाया। माशरे में बढ़ती बेहयाई और तलाक खुला के मामलों में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। मुस्लिम माशरे के खिलाफ मुख्तलिफ कानून बनाए जा रहे हैं, लिहाजा अदालत की सीढ़ियां चढ़कर जलो खार होने से बेहतर है कि शरिया अदालतों में अपने मामलों का निपटारा करें, जिसमें बात आपस में भी रहेगी और जल्द फैसलों पर शरीयत के मद्देनजर पहुंच पाएंगे। फख्र मिल्लत हॉल में हुए आज के इजलास की कुछ मंजर। खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं जा,
तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यजदान, तो खुद तकदीर यजदान क्यों नहीं। स्टेज पर तशरीफ फरमाते में या जुमे में जो ऐलानात हो चुके हैं उसे आप तमामी हजरात बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। ताहम चंद बातें इससे मुंसलिक आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते के मिज़दाक में ये काम बहुत पहले होना था, बहुत ताखीर हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर आया दुरुस्त आया। दरख्वास्त करूंगा मुफ्ती साहब बोला, अगर ये शरई फैसला अगर नहीं मानेंगे तो फिर जो है कुरान और हदीस का इनकार लाजिम आ जाएगा आपका, और उसका बवाल क्या होगा हर मुसलमान जानता है कि कुरान और हदीस का इनकार का बवाल क्या होगा। इसलिए इस चीज की अहमियत को लोगों को समझाना जरूरी है कि ये आखिरी मरहला है तुम्हारा, और उसके साथ साथ लोगों को ये लोगों का ये मिजाज भी बनाना है, लोगों का ये जहन भी बनाना है। अल्लाह और उसके रसूल का कानून भले वो हमारे फेवर में भी ना हो मगर हमारे लिए आमना व सद्दकना हुआ करता, ये नजरिया होना चाहिए। वरना कोई भी फैसला हमारे मुआफिक आए तो हम मानेंगे उसे, नहीं मुआफिक आए तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। जिम्मेदारी है कि हम अपनी शरीयत को हर तरह से कामिल और मुकम्मल यकीन करें, बनी नौ इंसान के लिए और बतौर खास मुसलमान के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, मुअस्सिर है और पुरसुकून बनाने वाली है। दुनिया और आखिरत की सआदत और सुरखरुई दिलाने का जिम्मा शरीयत इस्लाम ने दिया है, इसलिए कि ये कानून अल्लाह का कानून है और अल्लाह का मर्जी कानून है, इसमें कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी कमजोरी नहीं है। तो जिस तरह जिंदगी गुजारने के उसूल और आदाब बताए गए हैं उनमें कुरान करीम की एक आयत बताती है, हुन्न लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्न, मर्द औरतों के लिए लिबास है और औरतें मर्द के लिए लिबास है। इधर निकले मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग आते गए कारवां होता गया। इस बिकम ऑल वन वल्नरेबल व्हेन कपल हैव ऑफस्प्रिंग्स सच चिल्ड्रन आर फर्दर एक्सपोज्ड टू बैड हैबिट्स एंड होपलेस सिचुएशंस। द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू अ पेक्युलर टाइम एंड आवर मुस्लिम कम्युनिटी इज टारगेटेड इंडिस्क्रिमिनेटली वेदर कल्प्रिट और इनोसेंट ईदर यंग और ओल्ड मेल और फीमेल। इन सच अ सिचुएशन our institutions, either anjumans, work boards, madrasas, molda jamaats, have to play a crucial role, and our political leadership should have a realistic and a positive attitude. वो भी जो है उनकी मदद करेंगे और इस्लामिक कानून के मुताबिक जो भी फैसले होंगे वो हल करने की कोशिश करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि देखा गया है कि हमारे मुस्लिम बहन भाई अक्सर पुलिस स्टेशनों में दिखे जाते हैं और ये इदारा छड़िया जो है आज से ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले जो है मुसलमानों का इदारा छड़िया जो है शरीयत के मुताबिक चला करता था, ना कि हुकूमत के कानून के मुताबिक चलता था। जो है हमारे कौम के लोग इदारा शरिया की तरफ तवज्जा ना देते हुए गवर्नमेंट के कानून के तरफ ज़्यादा तवज्जा दे रहे हैं, क्योंकि जो है शादी होने के बाद तीसरे चौथे महीने लड़की लड़का तलाक पर ठहर जाते हैं तो ऐसे संजीदा हालात में इस तरह के फोरम का बनना बहुत ज़रूरी था, वो बन गया है, हमारे लिए बड़े फख्र की बड़े गर्व की बात है। C
सियासी सरगर्मियां आज भी जारी रही। लिहाजा बेलगाम ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली की गुलपोशी शालपोशी फरमाती हुए मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। सदर बेलगाम ट्रेडर्स एसोसिएशन जनाब वसीम मस्केवाले ने कहा कि सतीश जारकिहोली बहुत ही सुलझे हुए सियासतदान है और इन्होंने हमेशा ताजरों के मुफाद के लिए न सिर्फ ताउन किया बल्कि इनके हक में बेहतरीन कामों को अंजाम भी दिया। लिहाजा ताजरों की तंजीम की मुकम्मल हिमायत कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली को करने का ऐलान किया गया। बेलगाम ट्रेडर्स एसोसिएशन के कुल 500 से भी ज्यादा मेंबरान है जिसकी सदारत कामयाब ताजिर सामाजिक खिदमतगार और साबिक यूथ कांग्रेस सदर वसीम मस्केवाले करते हैं। आखिर में सभी हजरात का शुक्रिया वसीम मस्केवाले की जानिब से किया गया। एक और अहम खबर, महाराष्ट्र में 8 दिन के लॉकडाउन का फैसला लिया गया पर कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर रात के कर्फ्यू लगाया गया। मुल्क भर में बढ़ते मरीजों के मद्देनजर लॉकडाउन का फैसला लिया गया पर महाराष्ट्र के रुकने पार्लियामेंट और भाजपा के कई उदयन राजे भोसले ने लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए बैठकर अनोखे तौर पर एहतजाज किया। उन्होंने डीसी सतारा को भी किसी तरह का लॉकडाउन अगर किया तो पुलिस इंतजामिया को आवाम मारेगी जिसके लिए जिम्मेदार इंतजामिया होगी। एसपी या डीएसपी कोई भी हो आवाम अब किसी लॉकडाउन का सामना नहीं करेगी। अवाम में वो अब कुवत नहीं रही लिहाजा इनके सब्र का बांध टूट चुका है और अवाम पुलिस पर टूट पड़ेगी जिसका खामियाजा पुलिस के साथ इंतजामिया को भी भुगतना पड़ेगा ऐसा इशारा दिया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि लॉकडाउन महज एक नौटंकी है और अमीरों के गुनाह छिपाने के लिए किया जा रहा है। महाराष्ट्र के दिगर इलाकों में भी लॉकडाउन को लेकर मुखालफत सामने आई है और ताजिरों ने कहा कि जब तक अकाउंट में पैसे नहीं डाले जाते किसी तरह के लॉकडाउन पर अमल नहीं किया जाएगा। लिहाजा बढ़ते मरीजों का डाटा गलत बताते हुए सरासर कोरोना को गलत बताया गया। इनकी इस मुखालफत पर आवाम की जानिब से भी हिमायत हासिल हो रही है और उदयन राजे भोसले की बात को सही ठहराया जा रहा है। रियासत में लॉकडाउन के खिलाफ उठती आवाज ठाकरे हुकूमत की मुसीबत बनने के आसार नजर आ रहे हैं। उदयन राजे भोसले ने इशारा दिया कि लॉकडाउन की जबरदस्ती अवामी बगावत के मंजर सड़कों पर नजर आएंगे कहा। अब देखना यह है कि पूरे भारत में भी लॉकडाउन को लेकर नाराजगी देखी जा रही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। उपवास मारायची वेळ शासनाला जे कोण तज्ज्ञ जे शासनामध्ये बसलेत आता ते तज्ज्ञ कोण मला पण माहीत नाही त्यांच्याकडे बघितलं आणि तज्ज्ञ वाटत नाही आणि जोपर्यंत सायंटिस्ट लोकांचे मेन सायंटिस्ट नॉट मेडिकल फ्रॅटर्निटी पण त्यांचं रिपोर्ट येत नाही कसं काय करायचं तोपर्यंत लॉकडाऊन होणार नाही। लॉकडाऊन तुम्हाला उठवावं लागेल, निर्णय काय पण असू द्या। उद्यापासून नो लॉकडाऊन एवढंच सांगते फक्त, मारामारी झाली तर युअर रिस्पॉन्सिबल। सुव्यवस्था कलेक्टरांची आहे, पोलिसांना चोपून काढतील लोक, नॉट आउट ऑफ अँगर बट आउट ऑफ हंगर, जस्ट रिमेंबर दॅट।